पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागों का होमवर्क खासा कमजोर नजर आया, जिसे देखते हुए प्रभारी मंत्री ने कई विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिला योजना में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 39 करोड़ रुपए के सापेक्ष 14 करोड़ 12 लाख रुपए शासन की ओर से जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग पहले से चल रही योजनाओं में किया जाएगा। जिला योजना की बैठक में धारचूला विधायक हरीश धामी, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल सहित जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी लोगों की सहमति से जो हमारी ऑनगोइंग योजना है, जो योजना चल रही है पिछले साल की जिला योजना में, उन योजनाओं की अवशेष धनराशि जो तकरीबन 8 करोड़ 61 लाख, इसके अलावा जो हमारे पीआरडी के माध्यम से विभिन्न विभागों में जो काम कर रहे हैं जून तक की, और जो अवशेष उनका बिगर फाइनेंसिंग ईयर का भी है, उस पर 2 करोड़ 51 लाख रुपये, और जो हमारी लाइबिलिटीज है विभिन्न विभागों की, उसके लिए 2 करोड़ 99 लाख रुपया, कुल मिलाकर के तकरीबन 14 करोड़ 12 लाख रुपया जो हमको रीज हुआ है। इस बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री के सामने कुंडार क्षेत्र में सड़क के नियमों को दरकिनार करते हुए हॉट मिक्स किए जाने की शिकायत भी आई, जिस पर प्रभारी ने जिला अधिकारी को सड़क की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एक रोड के बारे में शिकायत आई थी जो नैनी चनी के आसपास है, उस पर जो पेंटिंग का काम हो रहा है उसमें जो मानक है उन मानकों के विपरीत हो रहा है, और कीचड़ के ऊपर एक वीडियो क्लिप में दिखाई है कीचड़ के ऊपर उसमें पेंटिंग की जा रही है हॉट मिक्स, तो निश्चित रूप से सरकारी धरना तो उनको मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उसकी जाँच करें और सही पाए जाने पर तत्काल संबंधित जोनल लीडर को निलंबित करने का काम। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।